नमस्कार, SS फूड एंड पिकल चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको चिवड़ा नमकीन बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। हम आपको बताएंगे कि हमने घर पे अगर चिवड़ा नमकीन बनानी हो जो कि चावलों से बनती है, इसे बीटन राइस चूंडा ये भी कहा जाता है। हमको नमकीन बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगी। ये दो प्रकार की बनती है, खट्टी मीठी या फिर सिर्फ नमकीन। हमको इसके लिए चाहिए लगभग एक कड़छी, ये कच्ची मूंगफली, ये एक कड़छी बड़ी चूड़ा या चिवड़ा है, इसे अंग्रेज़ी में बीटन राइस और तमिल भाषा में पोहा बोला जाता है। इसको चावलों से बनाया जाता है। ये लगभग छोटी चम्मच ये सफ़ेद नमक, एक छोटी कटोरी ये बुरा खांड, चौथाई चम्मच ये हल्दी और आधी चम्मच खटाई, ये शाटरी है, एक चम्मच ये किशमिश और ये हमें एक चम्मच ये कॉर्नफ्लेक्स चाहिए और लगभग एक कड़छी ये जला हुआ सरसों का तेल। हमने इसको जला लिया। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह घी को भी ले सकते हो। अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से बनाना है। हमने दरमियानी आँच रखी है, मीडियम फ्लेम। अब हम इसको इस तरह से मूंगफली को डाल लेंगे और इसको धीमी आँच में हम इसको भूनेंगे और साथ ही में हमने इस तरह से इसको भी डाल लेंगे और लगभग इस तरह से हमने इसको धीमी आंच पे 7-8 मिनट तक इसको हमने भूनना है। जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो हम इसको फिर बंद करेंगे। फिलहाल अभी हम इसमें इस तरह से डालेंगे, ये हमने शाटरी डाली और हमने आखिर में बुरा खांड डालनी है। अब हम ये नमक शामिल करेंगे इसमें इस तरह से और ये हमने हल्दी शामिल करनी है। ये हल्दी ऑप्शनल है, मैं कलर के लिए डाल रही हूँ लेकिन इससे फ्लेवर भी आता है। ये इस तरह से हमने इसको भूनना। हम बरसात के मौसम में इसको फ्रेश बना के खाते हैं। कई लोग जो सफ़र में जाते हैं इसको डिब्बे में बंद करके ले जाते हैं। अभी हमने इसको इस तरह से भूनना। जब ये तल छोड़ने लगे और खड़ी खड़ी हो जाए तभी हमने इसको बंद करना इस तरह से। अब ये मूंगफली और चिवड़ा भून चुका है, हमने अब इसमें शामिल करना है ये बुरा खांड इस तरह से। लगभग इसको 5-7 मिनट हमने कड़छी को लगातार मध्यम आंच पे चलाना है। अगर आप इसको तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि आप इस तरह से इसमें लगातार आप कड़छी चलाते जाएं।
ये अपने आप में फुल डाइट है। हम इसमें अब शामिल करेंगे किशमिश, इसको अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है ये कॉर्नफ्लेक्स, ये रेडीमेड है। ये नमकीन अब खाने लायक हो चुकी है। नाजरीन अब ये नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है, हम इसको अब खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप इन नमकीन को सर्दियों में बनाते हैं तो आप इसमें दूसरी तरह के ड्राई फ्रूट जैसे खजूर और बादाम और पिस्ता को भी शामिल कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।